everyone, welcome to my channel. I hope all of you guys are doing good. तो आज आपके लिए लेके आई हूँ और एक नई रेसिपी. आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी मसाला डोसा की रेसिपी. So let's start. मसाला डोसा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप चावल, उसके बाद लिया है 1/3 कप ऑफ उड़द दाल, उसके बाद है 1/4 कप ऑफ चना दाल और 1/2 टेबल स्पून मेथी. एक बोल में सबको निकाल लेंगे. उसके बाद पानी से इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे. अब पानी में भिगा के कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ देना. आप सबका पेस्ट बना लेते हैं. पेस्ट बनाने के बाद इसको ढक्कन बंद करके एक शॉल से मोड़ के 6 घंटे के लिए छोड़ देना. आप चाहे तो माइक्रोवेव के अंदर भी इसको स्टोर कर सकते हैं. आप मसाला तैयार कर लेते. मसाला तैयार करने के लिए पहले हम तेल में प्याज को अच्छे से भूंज लेंगे. उसके बाद जीरा ऐड कर देंगे. टर्मेरिक पाउडर ऐड कर देंगे. मटर ऐड कर देंगे. आप मैश पोटैटो ऐड कर देते हैं. नमक ऐड कर देंगे. रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे. सांबर मसाला ऐड कर देंगे. ग्रीन चिली ऐड कर देंगे. सूखा कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे. आप चाहे तो कच्चा भी डाल सकते हैं. एक मैसा लेके अच्छे से मैश कर लेंगे. डोसे में टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आप तवे को ज़्यादा गर्म भी नहीं कर सकते, ज़्यादा ठंडा भी नहीं कर सकते. थोड़ा सा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना. उसके बाद एक भीगा हुआ कपड़ा से उसको पोंछ लेना. इसमें क्या होगा, आपका टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा. उसके बाद ही बैटर को तवे में डालना. थोड़ा सा बटर ऐड कर देते हैं. आप मसाला को ऐड कर देंगे. देखिए हमारा मसाला डोसा बनके एकदम रेडी है. आप इसको सांभर और चटनी के साथ सर्व कीजिए. चटनी की रेसिपी मेरे चैनल में पहले से ही डाला हुआ है. अब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, आप जाके देख सकते हैं. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन. थैंक यू. बाय बाय.